आज हम आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिसकी बहुत सी खसूसियात हैं। अब गीजर के गर्म पानी के इंतजार में वक्त को जाया ना करें, जब चाहे गर्म पानी हासिल करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। जी हाँ, किचन फॉसेट हीटिंग टैब, जिसको इलेक्ट्रिक हीटिंग टैब भी कहा जाता है, ना ही गर्म पानी करने का झंझट, ना ही किसी गीजर की जरूरत, और सबसे बड़ी बात, ना ही गैस की जरूरत। आपके सामने छोटा सा LED डिस्प्ले है जिसके ऊपर नंबर आ रहे हैं, इसको हीटिंग टेम्परेचर बोलते हैं, जो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और जितना चाहे गर्म पानी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम सर्दियों में पानी को क्विकली गर्म करने के लिए एक वाटर हीटर का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, इसकी फिटिंग और इस्तेमाल करके भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही यूनिक और एलिगेंट डिजाइन है। इसमें और भी मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल यही है। अभी हम इसको फिट करके देखते हैं। अगर आप इसे किसी बेसन या सिंक में फिट करना चाहते हैं तो ये वहां भी फिटिंग हो जाएगी। इसकी फिटिंग इसके साथ है। ये इसकी फिटिंग बेसन या सिंक में फिट करने के लिए है। और अगर आप इसे दीवार के साथ फिट करना चाहते हैं तो सिंपली किसी भी कनेक्शन के साथ आपको एल्बो लगानी पड़ेगी और एल्बो के ऊपर हम इसे दीवार के साथ इस तरह फिक्स कर देंगे। हम अभी दोनों तरह से इसे फिक्स करके देखते हैं। सैंपल के तौर पे हमारे पास ये बेसन है। जिस तरह बेसन की फिटिंग होगी, इसी तरह ही किसी भी सिंक की फिटिंग हो सकती है। हमें सबसे पहले तो इसके यहाँ से इसका स्विच गुजारना है। ये चाइना की प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें भी दो तीन तरह की क्वालिटीज आ चुकी हुई है। सबसे पहले तो A+ ग्रेड की क्वालिटी है, उसके बाद ये नॉर्मल क्वालिटीज में भी अवेलेबल है। तो इसकी पहचान आप इसे खोल के तो कर नहीं सकेंगे, इसलिए इसकी पहचान आप इसके मटेरियल को देख के कर सकेंगे। आपको टैप को हाथ में पकड़ते ही पता चल जाएगा ये A+ ग्रेड का है या नॉर्मल टैप। मैं आपको वीडियो के एंड में कॉपी टैप दिखाऊंगा, इन दोनों में आपको फर्क वाजे नजर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स इसका स्टील का पाइप है, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। ये मूवेबल है, हम इसे लेफ्ट राइट मूव भी कर सकेंगे। इसके अंदर रख के तो दबाना है और उसके बाद इसे इसके ऊपर कस देना है। इसे हम कहीं पे भी अपने बेसन या सिंक में मूव भी करवा सकेंगे। इसके इनलेट पाइप के आगे कोई भी वाल लग जाएगा और ये वाल आपके किसी भी कनेक्शन के साथ लग जाएगा। यहाँ से खोल के तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। इसकी नॉब में हमें तीन तरह के ऑप्शन मिल जाएंगी। इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा, सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा और नीचे की तरफ ठंडा पानी आना शुरू हो जाएगा। गर्म पानी को अपनी मर्जी के मुताबिक गर्म करने की भी ऑप्शन है इसमें। जितना इस नॉब को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जितना इसे ऑफ की तरफ लाएंगे पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। मतलब इसके पानी का टेम्परेचर को आप पानी के प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं। टेफ्लॉन टेप को लपेटने का तरीकेकार ये होता है कि जिस तरफ आपने चूड़ी को कसना होता है उस तरफ को इसे भी लपेटते हैं, ताकि कसते वक्त ये खुले नहीं। तीन से पांच सेकंड के बीच में ये 30 डिग्री पानी को 60 डिग्री तक ले जाता है। लो कंजम्पशन है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू ऑपरेट है। पानी को पहले से गर्म करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये ऑन द स्पॉट पानी को गर्म करके देता है। मतलब आप जब भी टैप ऑन करेंगे ऑल द टाइम आपको गर्म पानी देगा। इसके स्विच को आपको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसके स्विच को एक ही दफा लगा के ऑन कर छोड़े। जब भी इसकी नॉब को गर्म पानी की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसका डिजिटल मीटर भी आपको बताएगा और पानी का टेम्परेचर भी साथ साथ में बताएगा। और जैसे ही आप इसे ऑफ या ठंडे पानी की तरफ लेकर आएंगे ऑटोमेटिकली इसका हीटिंग सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर पानी का बॉक्स अलग से है, इसके इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स अलग से है, इसलिए इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का भी कोई सीन नहीं है। एब्सोल्युटली सेफ्टी है। इसके अंदर एंटी लीकेज प्रोटेक्शन है जो पानी को अंदर से लीक नहीं होने देगी। वाटर फ्लो स्विच है जो इलेक्ट्रिसिटी को ऑटो कट ऑफ करता है। वाटर टेम्परेचर आप इसका 30 से 60 डिग्री तक खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। 220 वोल्ट पे चलता है, 2000 से 3000 वाट तक की बिजली लेता है, लेकिन ये क्विकली ऑन होता है और क्विकली ऑफ होता है, इसलिए ये बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं करेगा। आमतौर पे घरों में बड़े गीजर लगे होते हैं जो पानी की बड़ी मिकदार को गर्म करते हैं, ज्यादा बिजली लेते हैं और फिर वक्त के साथ साथ पानी ठंडा होता है और फिर ऑटोमेटिक ऑन होते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एक गीजर एक या दो घंटे चल के उतना पानी गर्म करता है और एक गीजर 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर उतना पानी गर्म कर देता है, तो बिजली की कितनी बचत हो सकती है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि गैस होती नहीं है, इसलिए पीक की सर्दियों में गैस गीजर वैसे ही बेकार हो जाते हैं।
पानी का जितना अच्छा प्रेशर होगा ये टैप उतना ही अच्छा काम करेगा। और अगर किसी वजह से आपको पानी का प्रेशर फिर भी कम लगता है तो इसकी ये नोजल आप खोल के तो इसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर वो बंद नहीं है और आपको फिर भी लग रहा है कि पानी का प्रेशर ठीक नहीं है, कम है, तो इसके अंदर पानी को स्प्रेड करने के लिए एक स्प्रिंग और एक एडजस्टमेंट दी होती है। इसको आप बहुत ईजी ही बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इसे बाहर निकाल के साइड पर रख दें और इसके बगैर ही लगा दें तो पानी का प्रेशर डबल हो जाएगा। इसमें और भी बहुत से मॉडल्स हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा चलने वाला यही मॉडल है। और अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दिया गया है, आप उस नंबर पे ऑर्डर करके कैश ऑन डिलीवरी पे पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और अगर आप मार्केट से भी खरीदते हैं तो मैं इसकी पहचान बता देता हूं आपको। ये एक टैप दिखा रहा हूं, इसकी लुक देख लें कि इसका प्लास्टिक ही बहुत घटिया किस्म का लगा हुआ है, सस्ता टाइप का प्लास्टिक है, इसकी इम्पोर्टेड टाइप की लुक भी नहीं, दिखने में ही लोकल लग रहा है। टैप को परचेज करते वक्त इसकी बनावट को, इसकी लुक को, इसकी खूबसूरती को आपने लाजमी देखना है। ये जिस मटेरियल से बना होगा आपने वो मटेरियल चेक करना है। आपको देखने में अंदाजा हो जाएगा कि ये लोकल मटेरियल है या अच्छे वाला मटेरियल है। चाइना प्रोडक्ट है लेकिन चाइना वाले बहुत अच्छी चीज भी बनाते हैं और लोकल भी बनाते हैं। किसी भी जगह पे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप इसे खुद से भी बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।